माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये कक्षा नाइन्थ क्लास नाइन्थ कृतिका जो बुक चलती है उसके चैप्टर टू पार्ट दो मेरे संग की औरतें, इनके कठिन शब्द मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और वो इस तरह के हैं। जैसे इसमें जो नए शब्द हैं जो कि बच्चों को जो है पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है या उनको लिखने में कई बार क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें कई बार उसमें जो है गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे नंबर एक में देखिए, नंबर एक में है आपका मृत्यु, मृत्यु के बाद है सेकंड नंबर में कहानियाँ, उसके बाद मर्म है, परदानसी है, उसके बाद कैम्ब्रिज है, विश्वविद्यालय है, विलायती है। यदि हम यहाँ पे राइट साइड में देखें तो नंबरिंग इनकी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो ये एक लाइन से हैं आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए 25 नंबर में है ससुराल वाले, हिंदुस्तानी, प्रशंसक, सिरफिरे, परिकथा, रोमांचक, उपकथाएं। नेक्स्ट में हम देखते हैं एट नंबर में है बच्चों यहाँ पे आपका आकांक्षा, पसंद नापसंद, इजहार, उसके बाद फिक्र, मुंहजोर के बाद है स्वतंत्रता सेनानी, प्यारे लाल, नजाकत। नजाकत उर्दू वर्ड है इसलिए इसमें जा के नीचे एक बिंदी रखी हुई है, नजाकत। उसके बाद फौरन, हैरत अंगेज़, और उसके बाद है देखिए 18 नंबर में फुरमाबरदार। यहाँ पर देखिए आपका 32 नंबर में राइट साइड में हम देखते हैं तो शख्सियत, खूबसूरती, गैर दुनियादारी, निष्पक्षता, जरूर, भावार्थ, मम तालु, जिठानियाँ, उसके बाद प्रचारित, खुद, मर्दजात, उसके बाद है श्रद्धा 42 में। इसके बाद लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर है आपका फौरन, हैरत अंगेज़, फुरमाबरदार, ढूंढकर, पारंपरिक, क्रांतिकारी, आंदोलन, और 23 नंबर में है आपका इम्तिहान। फिर यदि हम राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे है 40 नंबर में देखिए प्रचारित, खुद, मर्द जात, श्रद्धा, कर्तव्य, बाहर वालों, निजत्व, फ़ायदा, फजल, और आपका अपरिग्रह। यहाँ पर फ़ायदा और फजल, यहाँ पर ये उर्दू वर्ड हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद 49 नंबर में हम देखते हैं, 49 नंबर में गैर रवायती है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, गैर रवायती, खायती नहीं पढ़ना, रवायती है। उसके बाद फितूर, 51 नंबर में सफाई, फिर बदस्तूर, मन्नत, तथा इस्तु, आरजू, जुस्तजू, अफरा तफरी। यदि हम राइट साइड में, अच्छा इसके बाद और भी देखिए, किस्सा और खुश नसीबी, 59 में खुश नसीबी है लेफ्ट साइड में ही। अब राइट साइड में यदि हम 48 नंबर पे देखते हैं तो आपका उपन्यास, मोहलत, अत्याचार, कंठस्थ, उसके बाद है कठ, गुलाब, टाइफाइड, पोंगापथी, घर घुस्सू, पैदाइशी, व्यक्तित्व, चौथी पांचवी, और इसके बाद आलोचना। अब यहाँ पर यदि मैं 66 नंबर पे हम देखते हैं तो 66 नंबर में आपका है धर्म संकट, अकबकाया, पहरेदार, एहतियात, रोमांचक, विरासत, जीवाणुओं, प्रकोप, आज़ादी के बाद है दुर्योग और शिरकत, सत्ताधारियों, उसके बाद ब्रदर्स, काराम जोग। यदि हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपका 95 नंबर में है देखिए अतिरिक्त, फिर फारिंग उर्दू वर्ड है, कुड़ते भुनते, थिमैया, मोटरसाइकिल वगैरह, कुतर्क, दिलचस्पी, उसके बाद सांगिर्दो, निर्णय, पत्रकारिता, पिक्चर, और 107 में आपका मर्दों। इसके बाद 108 में देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक, कैथोलिक, दरख्वास्त,
प्राइमरी, उसके बाद गैर क्रिश्चियन, कड़वी, जिद्दीपना, नाले पर नालों, तल्लों, निचाट, मंजिल, इकट्ठा, कयामती। तो बच्चों इतने का आपको एक एक करके आपको जब इसको आपने अगेन इसको रिव्यू करना है और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस करना है कि आपको हिंदी में आपकी कमांड हो पाएगी, क्योंकि इन केस यदि फ्यूचर में किसी को कुछ बनना है या यूपीएससी करना है या कुछ भी करना है, जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं बहुत सी जगहों पर हिंदी भी पूछी जाती है, तो आपसे यदि इस तरह के वर्ड्स लिखना नहीं आएंगे, जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमें रिटेन लिखना पड़ता है, चाहे वो एमपीपीएससी हो या यूपीएससी लेवल पे हो, तो हमें इस तरह के कठिन शब्द या न्यू वर्ड्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद कुछ आपके लिए मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पर देख दिया हुआ है कि अपनी पढ़ाई और समय पर अभी पसीना बहा लो, वरना बाद में सिर्फ आंसू ही बहाने पड़ेंगे। तो इसलिए बच्चों अभी आपके अर्ली स्टेज है, आप क्लास 9th में हैं, आपको जितना समय आपको मैक्सिमम आपके पास अभी कोई इतना लोड नहीं होता है, आपने पढ़ाई करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, और यदि आज आपने मेहनत कर लिया तो आप पूरी ज़िंदगी आराम से फर्स्ट क्लास कटेगी। अदरवाइज़ आपको हमेशा बहुत पूरी ज़िंदगी लाइफ भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप पढ़ेंगे अच्छे अधिकारी बनेंगे तो उसका अलग ही अंदाज रहेगा ज़िंदगी का। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ मैटर मच मोर देन व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में ज़्यादा मायने रखता है इससे कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नज़रों में हमेशा अच्छे रहो, आप यदि अपने आप को अच्छे लगते हो अपने आप बेस्ट के लिए काम करिए, दूसरे क्या कहेंगे इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने एम के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदिति क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।